केवड़िया स्थित 388.63 लाख की लागत से निर्माण होने वाले वैसे एसटी बस स्टेशन का आज ई भूमि पूजन किया गया। गांधीनगर से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा नर्मदा जिला के गरुड़ेश्वर तालुका के केवड़िया कॉलोनी स्थित गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम द्वारा 388.63 लाख के खर्च से अद्यतन सुविधाओं के साथ सज वैसे एसटी बस स्टेशन के लिए आज ई खात मुहूर्त कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन किया गया था, जहां आज गुजरात के आरोग्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री किशोरभाई कानाणी की मौजूदगी में आज ये ई खात मुहूर्त का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला के प्रमुख और नर्मदा शुगर के चेयरमैन घनश्याम पटेल, जिला कलेक्टर डी ए शाह, महिला अग्रणी भारती बेन तड़वी, शारदा बेन तड़वी, इंचार्ज प्रोग्राम विभागीय नियामक एस पी मात्रोजा सहित जिला एसटी डेपो के मैनेजर सहित कई पदाधिकारी हाजिर रहे थे, जहां आने वाले वक्त में 388.63 लाख की लागत से एसटी डेपो का निर्माण करते हुए यहां पर तमाम सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके साथ यहां के स्थानिक जिला के लोगों को भी रोजगारी की भी नई तक उपलब्ध होगी। वैसी जानकारी देते हुए आज ये ई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ભારતના પ્રણેતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશ્વની સૌથી મોટી પ્રતિમા અને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું કામ આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યું છે। કેવડિયા ખાતે એની દીર્ઘદ્રષ્ટિથી ખૂબ કેવડિયાનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, અદ્યતન સુવિધાઓ ઊભી થઈ રહી છે। આજે આખા એ દેશ અને વિશ્વની અંદરથી લોકો કેવડિયા આવી રહ્યા છે, એવા સમયે કેવડિયાનો જે વિકાસ થયો છે એને અનુરૂપ એનું બસ સ્ટેશન પણ હોવું જોઈએ, એ ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે આજે ઈ લોકાર્પણ કરીને કેવડિયામાં 1 કરોડ રૂપિયાને આધુનિક બસ સ્ટેશન મળે એના માટેનો હજુ ખાતમુહૂર્ત થયું છે।